ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चे बैठ के जो हैं वो इस तरीके से चलेगा और ये जो है ये सारे फोड़ेगा, ये देखिए। और यहाँ पे जो है ये कुछ जानवरों के पिछवाड़े लगे हुए हैं और एक छोटा सा बच्चा जो है वैसे घुमा रहा है। घुमाओ छोटू, घुमाओ घुमाओ। ये देख भाई क्या सजा रखा है यार। ये देखिए दोस्तों, ये घूम रहा है और यहाँ पे लिखा है लुलू टर्म्स। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये बाइक से आप इस पे बैठ के आप एडवेंचर जो है पूरा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में, जिसका नाम है MK बरेली ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं बरेली शहर छोड़ के शहर लखनऊ में आया हूँ दोस्तों, और अभी मैं बाहर खड़ा हूँ लुलू मॉल के। आज लुलू मॉल का दोस्तों ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना बड़ा है और कैसा है। तो बाहर की साइड आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो है ये फव्वारे लगे हुए हैं, देखिए आप। और बिल्कुल इसके सामने की तरफ जो है वो ये रहा लुलू मॉल, देखिए दोस्तों ये है कितना बड़ा बना रखा है भाई साहब, ये देखिए। और ये ऊपर की साइड भी लिखा हुआ है लुलू मॉल। ये देखिए दोस्तों, वहाँ तक है, बिल्कुल लास्ट तक, वो देखिए वहाँ तक है। यहाँ से जो है दोस्तों इसका एंट्री का एरिया है, अब चलते हैं अंदर की साइड और हम आपको दिखाते हैं अंदर चल के। तो देखिए एंट्री का जो एरिया है वो ये वाला है, ये देखिए दोस्तों ये रहा इसका पूरा एंट्री का एरिया। ऊपर देखिए आप भाई साहब, क्या गजब बना रखा है। और ऊपर क्या लिखा है, फंटूरा, ये देखिए। इसका एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको, जो एंट्री का एरिया, ठीक है। और स्टार्टिंग में ये देखिए स्टारबक्स कॉफ़ी, और सामने की तरफ दोस्तों ये सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो देख सकते हैं आप, ये हैं। ऊपर मैक्स है, ये देखिए मैक्स लिखा है। और ये रहा ट्रेंड्स का, ये है पेंटालूम्स। और ऊपर शायद खिलौने वलौने मिलते हैं। थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद सैमसंग का शोरूम आ जाता है, ये देखिए ये सैमसंग का शोरूम है। और ये होंडा की कुछ दो बाइक खड़ी हुई हैं सामने की तरफ, देख सकते हैं दोस्तों सामने की साइड। किन्ना फोन, कुछ खाने पीने का सामान मिलता है यहाँ पे। यस वी हैव कॉफ़ी, ये इनका बैठने का एरिया है, यहाँ पे बैठ के आप कॉफ़ी पी सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है इसका दूसरा पार्ट, देखिए ये इसका दूसरा एरिया है जो कि घूम रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये लगा है और यहाँ पे बीच में घूम रहा है, इस पर लिखा है लुलू टर्म्स। और ये देखिए दोस्तों ये घूम रहा है और यहाँ पे लिखा है लुलू टर्म्स। ऊपर का एरिया आप देख सकते हैं भाई साहब कितना बड़ा है ये। यहाँ पे ब्लू स्टोन का शोरूम है, ऊपर की तरफ किलर का है, और ऊपर जाने के लिए एस्केलेटर लगा हुआ है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं आप। ये आ चुके हैं दोस्तों हम फर्स्ट फ्लोर पे, ये देखिए यहाँ पे रेड चीफ का भी आपको शोरूम मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेट्रो, ये शूज़ का है, यहाँ पे सनग्लासेस मिल जाएंगे आपको, ये देखिए। बाकी यहाँ से आप एक पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं, ये देखिए काफ़ी दोस्तों बड़ा बना रखा है ये, और आगे तक है ये बिल्कुल वहाँ तक, वहाँ भी चलेंगे फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस एरिया से जो है हमने एंट्री करी थी और हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। और सामने की तरफ देखिए आप कितने सारे खिलौने ऊपर की साइड रखे हैं, ये देखिए बाइक हैं, कार वार सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए सामने की तरफ द कैफे डेजर्ट्स, ये देख सकते हैं दोस्तों एक शोरूम ये है स्टेलेटोस का। यहाँ पे सारे पर्स मिल जाएंगे आपको, भी हैं यहाँ पे, आगे की तरफ सैंडल्स हैं, पर्स वगैरह भी रखे हैं यहाँ पे। और ये रहा रेड चीफ का शोरूम, ये रेड चीफ का है, ये है रंगरीति का। यहाँ पे सारे लेडीज सूट जो हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने को, ये देखिए। और ये रहा बाटा का शोरूम, ये बाटा का शोरूम दोस्तों,
और ये देखिए पूरा यहाँ का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ मैं आपको बढ़िया करके। ये देखिए भाई साहब बहुत बड़ा है, ऊपर देखिए आप। ये दोस्तों यहाँ से जो है वो सारे रेस्टोरेंट जो है वो चालू हो जाते हैं। और ये रहा सामने डोमिनोज, और यहाँ पे जो लोग हैं बैठ के अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं सारा। ये है टुंडे कबाबी, टुंडे है या टंडे है पता नहीं क्या है ये। ये रहा वाव वाव मोमो, और ये रहा वाव चिकन, और यहाँ पे लोग बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो खाने की कई सारी शॉप जो है ना वो बिल्कुल एक साथ हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वहाँ तक बिल्कुल हैं, और फिर जो हम जो पीछे छोड़ आए थे अभी वो देखिए वहाँ तक। ये पूरी लाइन जो है दोस्तों ये रेस्टोरेंट की है, खाने पीने की है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये जो है ये बाइक से आप इस पर बैठ के आप एडवेंचर जो है पूरा कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी चलाएंगे और सामने की तरफ आपको देखा गया कैसी चल रही है, ठीक है। और इस साइड देखिए, इस साइड में क्या है, अच्छा ट्रेन का एरिया बना रखा है। इस साइड से भी देखिए ये बच्चों के लिए है, ठीक है। और इस साइड में क्या है, इस साइड में ये भी झूले हैं। भाई क्या सजा रखा है यार। और इसके अंदर टेडी बियर पकड़ पड़े हुए हैं, और एक देखिए दोस्तों ये बना रखा है, ये घोड़े बना रखे हैं, ये गोल गोल चलता होगा। और यहाँ पे ये क्या है भाई, ये पता नहीं क्या है दोस्तों, उसी के जैसा ये कुछ है। अच्छा बास्केट की तरह है, बास्केट डालनी पड़ेगी आपको अंदर की साइड, ये देखिए। और यहाँ पे जो है ये कुछ जानवरों के पिछवाड़े लगे हुए हैं। ताजुद्दीन ये जानवरों के पिछवाड़े लगा रखे हैं लोगों ने, ये देखिए। और एक जो है दोस्तों ये आपने फन सिटी में भी देखा होगा जो कार चलाने का था, ये देखिए। लेकिन इसको जो है कुछ थोड़ा बढ़िया तरीके से बना रखा है, बम्पर कार। हाँ तो ये पूरी ट्रेन की तरह जो है वो यहाँ पे बना रखा है, जिसका नाम है गोल्ड रश। ये देखिए पूरा बना रखा है दोस्तों, देखिए कैसे ये ऊपर बिल्कुल जंगल की तरह बना रखा है। और ये है ट्रेन जो ये चलती है और ऐसे एडवेंचर की तरह पूरा घुमा के लेके आती है। एक आप और ये देख सकते हैं, जैसे आपने फन सिटी में देखा होगा फ्री फॉल की तरह, बिल्कुल ये वैसा ही है। लेकिन इसको जो है थोड़ा अच्छी तरीके से बना रखा है, और इसकी हाइट भी कम है। और एक ये है दोस्तों 360, जो ये 360 पे घुमा देता है बिल्कुल भाई साहब, ये देखिए। और ये रहा एक एडवेंचर का पूरा एरिया, ये देखिए दोस्तों। प्राइस तो मुझे इसके पता नहीं है कितने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है वो इसका एक ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी एक, ये देखिए ये तो कुछ ज़्यादा ही भाई अच्छा लग रहा है यार। कीमत तो भाई साहब भरपूर होगी, मुझे इतना तो पता है फिलहाल। ये देखिए इसे कहते हैं वर्लपूल, जो सामने की तरफ लिखा है आप पढ़ के देख सकते हैं वर्लपूल। यहाँ से जो है उसकी एंट्री होती है अंदर जाने के लिए, इस साइड से ये ऐसे। और बाकी ये पूरा एक एडवेंचर बना रखा है इन लोगों ने, ये देखिए दोस्तों ऊपर तक बिल्कुल, ये तो पूरा एडवेंचर की तरह बना रखा है यार। रोप क्रॉस, हाँ रोप क्रॉस है पूरा ये। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बच्चे बैठ के जो हैं वो इस तरीके से चलेगा, और ये जो है ये सारे फोड़ेगा, ये देखिए। अरे भाई हालांकि यहाँ कोई बैठा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। ये देखिए ये बच्चों के लिए है, शायद ये चलते होंगी मशीनें। यहाँ पे है, ये है कि आप जो है वो कार चला सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से।
बढ़िया जो है ये घुमा रहे हैं, देखिए पता नहीं क्या निकाल रहे हैं इस बॉल को। अच्छा ये बॉल जो है ना वो नीचे लेके आनी है, और एक छोटा सा बच्चा जो है वैसे घुमा रहा है। घुमाओ छोटू, घुमाओ घुमाओ, ये देखिए बहुत मज़े आ रहे हैं इसे। और यहाँ पे एक गेम दोस्तों ये वाला है, और एक और गेम है जो यहाँ पे चलता है, यहाँ पे बैठ के आप जो है खेल सकते हैं। ये देखिए गेम्स की तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। और ये भी एक बच्चों के लिए है, यहाँ पे कार देखिए कितनी भाई साहब VIP बना रखी है। फिनिक्स मॉल से तो ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा बड़ा भी है ये, और यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भाई साहब फ़न करने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों लूलू मॉल जो है वो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, अब बारी आती है कुछ यहाँ पे खाने पीने की। तो मैं और मेरा दोस्त ताजुद्दीन जो है वो हम दोनों मिलके यहाँ पे अभी कुछ खाते हैं, ठीक है, और फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये लेके आया ताजुद्दीन हमारा ऑर्डर, ये रही दोस्तों कोल्ड ड्रिंक, ये रहे फ्राइज, और ये रहा बर्गर। अनबॉक्सिंग करो इसकी यार। ये बर्गर हमारा यूज है, देखें तो कैसा है बर्गर भाई। ये रहा बर्गर, अरे है भाई साहब क्रिस्पी चीज़ के साथ है, बहुत बढ़िया 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 बिल्कुल एकदम। ये अपनी कोल्ड ड्रिंक बर्फ़ डाल के हैं आइस के साथ। तो भैया लूलू मॉल का जो है वो हमने पूरा ब्लॉग बना दिया और आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। दोस्तों ये रहा लूलू मॉल का PVR सिनेमा हॉल, देखिए कितना गजब बना रखा है, देखिए अपने गदर, ये गदर लगने वाली है 11 अगस्त को। ये देखिए भाई साहब ऐसा लग रहा है 5-star होटल में आ गए। ये रहे सारे गदर के पोस्टर, और यहाँ से जो है वो होती है एंट्री अंदर जाने में। दोस्तों हमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया लूलू मॉल में, और अगर आप भी कभी लखनऊ आना चाहते हैं तो प्लीज़ लूलू मॉल में ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।